राधे 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 राधे। और क्या हाल भाई सभी के? तुम्हारे भी बढ़िया है। मैं उठ गया हूँ, नहा धो के फटाफट से जा रहा हूँ सामान लेने। मुझे लेना है बालू बालू, क्योंकि जो जिस तसले में हवन होती है उसके नीचे बिछाया जाता है, तो बालू लाना है और आम का पत्ता लाना है और दो तीन सामान और हैं। चलते हैं फटाफट से ले जाते हैं, क्योंकि हवन में भी टाइम नहीं होना चाहिए। हवन हो जाए उसके बाद फिर पूजा वूजा हो, फिर मम्मी मम्मी जाएंगी मंदिर कन्ने खिलाने, तो इन सब में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। और बालू जो है हम लोग के हमारे घर के सामने जस्ट गिरा हुआ है ये, तो वहीं से ले लेंगे। बालू मिल गया है, बाकी पत्ता हमको वहीं से तोड़ना पड़ेगा जहाँ से तोड़े थे। जो चलते हैं फटाफट से लेके। दुकान खोल रहा है सुबह सुबह। दुकान खोलते हो कि शाम को खोलते हो तुम? कॉपियाँ रखे हो? कहाँ है? बहुत धूप आ रही यार, तगड़ी धूप। हमने सामान ले लिया है सब, और बालू लेना है तो वो घर के सामने ले लेंगे। तो फिर कॉपियाँ अभी दोगे कि बाद में दोगे तुम? अभी ले लो, बाद में ले लो, मंगा लो। देखो कॉपी भी ले ली यार उनसे, इसी में हम न्योता लिख रहे थे। और बालू ले लें बस, बाकी सब हो गया। बड़ी दिक्कत हो जाती है, मैं फ़ोन पकड़ूं कि बालू भरूं कि सामान पकड़े रहूं, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। वैसे ले लिए हैं बालू और फटाफट से लगा लेते हैं इसको तसले में, फिर पूजा पाठ करते हैं हवन वन। ईंटा चाहिए तसले के नीचे रखने के लिए, तो छत पे से एक ले लूँगा, एक दरवाजे पर रखा था उसको ले लूँगा। ये यहाँ से ले ले रहा है ईंटा। गमला है ना, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो इसी वजह से ईंटा नीचे रखना ज़रूरी है। धुआं धुआं हो जाएगा पूरे घर में। नहा लिए? विंडो ओपन कर लो। धुआं लग रहा है भाई साहब कि आँख ही नहीं खुल रही थी अंदर। ऐसा लग रहा है नाक बहने लगे, सर्दी होगी मुझे। और भूख बहुत तेज लगी, जैसे जैसे हवन कर रहे थे इतना तगड़ा भूख लग रही थी पेट में, तो बस कुछ मन कह रहा था खा लो कुछ नया बोल, लेकिन तब तक नहीं खा सकती जब तक कन्या नहीं खिलाई जाएगी। धुआं बहुत तगड़ा लग रहा था। हो गई हवन, अब खाना वाना बन रहा है, फटाफट खाना बन जाए। मम्मी उम्मी जाएंगी। भूख लगी थी कि मैं तुरंत मम्मी को कॉल किया कि खिला रही हूँ कि नहीं, तो वहाँ ये लोग कन्या को खिला रही थी। फिर मैं क्या हुआ कि फटाफट खाना निकाला और खाने लगा, और छोला इतना ख़राब बना था। मम्मी हवन में बैठ गई थी तो छोला थोड़ा नीचे से पकड़ लिया था, तो मुझे कर्शा रहा था, मैं बिल्कुल खाया नहीं, छोड़ दिया। और अभी अभी जस्ट
ये देखिए भैया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लड़ाई हो रही है और हम ऋतिक से भी कह के मंगाए थे छोले भटूरे और फिर खाएंगे भाई। ये छोले उसमें जो भी मूली वूली कटी हुई है, भटूरा उसमें है और पूड़ी मैंने निकाल लिया है। तो मैं खाने जा रहा हूँ, भूख तो बहुत ज़्यादा है। थोड़ा टाइम भी है और वो बुझ गया था तो मैं फटाक से ये सीढ़ी कौन लगा दिया है पता नहीं, कोई लगाया हुआ कुछ काम से। और ईंटे रख दे, उसका काम हो चुका है। सो के उठा मैं, फिर थोड़ी एडिटिंग वगैरह किया, उसके बाद मुँह धुला तो अभी आ रहा सकते। सनसेट, नवरात्रि 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 भी ख़त्म, अब दशहरा आ गया, दशहरा फिर दीपावली। मैं हूँ अपने दुकान मतलब पांडे जी के यहाँ और हम लोग निकलने वाले हैं कहीं घूमने। अभी टाइम हो रहा 8:05 और पांडे जी गाड़ी वाड़ी अंदर कर रहे हैं, जिस गाड़ी जाएंगी वो बाहर खड़ी है। और पांडे जी की ये शॉप है, ये सब सब मशीन वाला काम होता है, जो प्रिंटिंग मशीन होती है उसका सब काम होता है। अगर आप लोग को कोई भी ज़रूरत हो तो हम उससे कॉन्टेक्ट करिए, हम लोग सब काम सही कर देंगे। वहाँ मशीन रखी हुई है पूरी, चला जाए। और ट्रैफिक वाले अंकल जाने नहीं दे रहे हम ट्रैफिक वाले मामू, ले जाओ भैया ले जाओ। पेट्रोल टंकी पांडे जी उतर के पैसे दे रहे हैं पेट्रोल टंकी वाले को, नहीं सेल्फी ले रहे हैं सेल्फी। अंकल बहुत ध्यान से देख रहे हैं कहीं और तो नहीं भर ले रहा है। अपने बोल दीजिए 2000 का डाल दे, 4-6 हजार का। पहुंच चुके हैं समता मूलक चौराहा और हम लोग के जस्ट पीछे हो रही है डांडिया नाइट, तो आप लोग को दिखाते हैं। चौराहा घूमने के लिए और यहाँ पे पुलिस वाली गाड़ी नहीं खड़ी करने दे रहे हैं, हटा रहे हैं, कह रहे हैं चालान कर देंगे। ये रहा हमारा आई लव हमारा लखनऊ। पांडे जी लोग क्या कर रहे हैं वहाँ, यहाँ पे सबको मना किया जा रहा है कि बाइक और फोर व्हीलर कुछ भी खड़ा नहीं करना है, वही बता रहे हैं पुलिस वाले भैया लोग। उनको फोर व्हीलर जो खड़ा कर दिए हैं कि यहाँ कोई नहीं पार्क करेगा, होगा कोई बोला होगा मतलब ऊपर से आदेश होंगे, क्योंकि सब तोड़फोड़ ज़्यादा कर देते हैं। अगर यहाँ भीड़ होती है तो तोड़फोड़ ज़्यादा कर देते हैं। पहले ये जो आई लव हमारा लखनऊ जो है, आई लव लखनऊ था, उसके बाद तोड़ दिए थे तो फिर चेंज किया गया, तो आई लव हमारा लखनऊ हो गया। से अब पहुंच चुके हैं चटोरी गली, चलते हैं वहां घूम लेते हैं, कुछ खाने पीने लायक हम लोग के लायक होगा, हम लोग के लायक मतलब समझ रहे हैं, तो खाएं पिएंगे नहीं तो घूम के फिर कहीं और चलेंगे। ले लिया हेलमेट,
आ चुके हैं चटोरी गली में। हम लोग चल चल के इतना थक गए, यहाँ पे दीवार पे बैठे हैं और चाय ऑर्डर नहीं है क्योंकि भैया चाय हम लोग को दे रहे हैं। सब ऐसे बुलाते हैं, यहीं मिलेंगे और किसी दुकान कुछ नहीं मिलेगा, इन्हें दुकान फ्री में देंगे ऐसा लगता है। हाँ ऐसा लग रहा है फ्री में दे देंगे हम लोग। हेलो भैया, हम लोग की चाय हम लोग के हाथ में आ चुकी है। मैगी खाएंगे क्या? मैगी क्या करनी है? पाव भाजी खाएगा, कुछ और खाते, पहले चाय पी के देखते हैं। टेस्ट करिए आप, कैसा है टी? टेस्ट बहुत बढ़िया है, दुकान है, देख लीजिए आप लोग आइएगा तो यहीं पीजिएगा चाय। हाँ परफेक्ट टी स्टॉल के जो चटोरी गली है वहाँ पे सब मिलता है, खाने पीने वाला हर एक सामान मिलेगा, लेकिन एक चीज़ और मिलता है वो ये है चूहा। ये जितने भी छेद देख रहे हैं इसमें सब में चूहे रहते हैं, वो घूम रहा है एक, ये निकला। बताइए, चूहे की भी एक गली हो चुकी है, चटोरी गली और चूहे की गली। दुकान लगा लिया है हम लोग, किसी चीज की दुकान जब 10-90 आए थे कि चटोरी गली भी कभी आएंगे, आज चटोरी गली भी आ गए, घूम लिया हमने, बहुत भीड़ थी, चाय पिया, 20 रुपए की चाय सस्ती थी, अब घूम लिए 10-90, अब चल रहे हैं हम लोग कहीं और। पहुंच चुके हैं रिवर फ्रंट, थोड़ा यहाँ सुकून की हवा लेंगे, उसके बाद फिर कहीं दुर्गा पंडाल अगर पास में होगा तो चलेंगे, नहीं तो उसके बाद फिर घर चलेंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है यार, लोग रुकते हैं, सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं। तो मैं घर पहुँच गया, बहुत देर बाद घूम टहल के मज़ा आ गया। पांडी जी लोग भी गए, उनके घर वाले सब लोग तो गांव गए हैं, तो वो लोग जाएंगे खाना खाने और मुझे भी लगी है भूख, तो मैं भी खाना खाने जा रहा हूँ, तो आप भी लोग खाना खाइए, टाइम ज़्यादा हो गया, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए हमारा ब्लॉग देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। टाटा बाय बाय।